आपका न्यूज 19 में और मैं हूं सुनीता शर्मा आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुप्रभात की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में रविवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नक्सलवाद पर लिखी अपनी किताब लाल सलाम पर चर्चा करने पहुंची। उन्होंने कहा कि आगामी 5 सालों में देश पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होगा। उन्होंने कांग्रेस पर देश में नक्सलवाद को पनपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दौर में करोड़ों खर्च किए गए थे, साथ ही अब नक्सलवाद का गढ़ कहे जाने वाले राज्य के महज 40 जिलों में ही नक्सल बचा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मॉडरेटर प्रज्ञा तिवारी और लोगों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 2006 और 2009 में जब उनकी सरकार सत्ता में नहीं थी, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री के दिए गए इस नारे को शहर को जिम्मेदार अफसरों ने अलग तरीके से अपनाया। बिना किसी प्लानिंग के शहर की 7 सड़कें एक साथ खोद दी। एक साथ सड़कों के काम ने राहगीरों, दुकानदार और क्षेत्रवासियों की परेशानियां बढ़ा दी। कहीं ठेकेदार सड़क खोद भूल गया तो कहीं काम धीमी गति से हो रहा है, कहीं पाइप सीवरेज लाइन तोड़े दी गई है, तो कई लोगों को परेशानी तो हो ही रही है लेकिन दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। घरों में पानी नहीं आने की परेशानी के साथ सीवरेज की गंदगी के बीच लोग रहने को मजबूर हैं, साथ ही भीतरी और बाहरी शहर में सड़कों का काम चल रहा है। ग्राम पंचायत भजेड़ा के ग्रामीणों ने फायरिंग कांड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें डोटासरा को युवक के ऊपर फायरिंग कांड को लेकर अवगत करवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि कल अज्ञात बदमाशों ने गांव के ही एक युवक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली युवक के पैर में जा लगी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया, जिसका उपचार जयपुर के SMS अस्पताल में चल रहा है। सुहास चौक थाना इलाके में रहने वाली एक परिवार में रविवार शाम को खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में भतीजे ने चाचा पर चाकू से वार कर घायल कर दिया, जिसे घायल अवस्था में SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। वही पुलिस ने भतीजे को पकड़ लिया है। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में रविवार सुबह तेज रफ्तार कार ने एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। SI माधव सिंह ने बताया कि हादसे में भरतपुर निवासी रीदा की मौत हो गई। वह मानसरोवर में परिवार के साथ खानाबदोश रहती थी। रविवार सुबह वह रिद्धि सिद्धि चौराहे पर रोड पार कर रही थी, इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर मार दी। सुप्रभात में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।